भंडारी। वास्तव में देश के 100 शहरों में इंदौर आएगा तो उसका जो आधार होगा वो होगा एजुकेशन से संबंधित हमारे सुझाव और हमारा योगदान। इसमें कोई दो मत नहीं कि यदि हम शिक्षा को आधार बनाकर हमारे सुझाव दें और देंगे तो उसमें रोजगार सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रोजगार के सपने यदि सच होंगे शिक्षा के माध्यम से तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमें मिलेगी। मैं 3 सुझाव देना चाहूंगा। पहला सुझाव तो ये कि इंदौर में हर 3 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में से 1 की मुट्ठी खाली है। जो सर्वेक्षण है 3 में से 1 के पास में रोजगार नहीं है। तो हमको ये सुझाव देना चाहिए कि हर एक स्कूल में जो सरल है जो संभव है और हर एक कॉलेज में एक उद्यमिता प्रशिक्षण केंद्र हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर होगा तो चूंकि नौकरियां भी कम है लेकिन वो जो उद्यमिता प्रशिक्षण होगा उससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा और ये सरकार की नीति भी है और सरकार स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सुझाव हमारा ये जाना चाहिए कि इंदौर में एक विश्व स्तरीय एक ऐसी लाइब्रेरी हो जिसका देश और दुनिया के सभी लाइब्रेरी से इंटरलिंकिंग हो तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ये कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इंडस्ट्रीज से कोरिलेशन होना चाहिए, ऐसा इंटरलिंकिंग होना चाहिए कि इंदौर के आसपास और इंदौर में जो इंडस्ट्री बढ़ रही है उनको किस तरह के स्टूडेंट चाहिए, ये एक ऐसा फोरम होना चाहिए इंडस्ट्रीज का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जिनके माध्यम से वो ट्रेनिंग दी जा सके, स्किल्स डेवलप की जा सके जो जरूरत है। यदि इन बातों पर ध्यान देते हैं और साथ साथ इंदौर के जो पारंपरिक उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, जो हम कह सकते हैं कि इंदौर की पहचान से जुड़े हुए पारंपरिक उद्योग हैं, उनसे संबंधित प्रशिक्षण भी देने की यदि योजना होगी तो निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेंगे और हमारा इंदौर चमकता हुआ पहले 20 शहरों में स्थान पाएगा। धन्यवाद महापौर जी की बहुत अभिनव पहल है। और एक बात और बता दूं, पूरे देश में इंदौर पहला शहर है जहां इस तरह के जो पब्लिक ओपिनियन लिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और शिक्षा का योगदान भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।